Good morning students, come on the chapter number first exercise. First question is, what is an ecosystem? Means ecosystem क्या होता है, इसके अंदर आपको इसकी definition write करनी है. The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में रिलेशन होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन होता है वैसा ही रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, जो कि उसके चारों तरफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे इकोसिस्टम क्रिएट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक प्लांट एंड एनिमल्स एंड अबायोटिक लैंड कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स बोथ बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो कंडीशन अर्थ के ऊपर होती है वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाती है. क्लियर इट? नेक्स्ट, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? The major components of the environment are natural, land, air, water, living things. First जो components environment का होता है natural. Natural के अंदर it comprises in land, air, water and living things. इसके अंदर land, air, water और सभी living things इसके अंदर आते हैं. Second components are human made. It comprises building, parks, bridges, roads, industries and monuments. और it comprises in human made things. वो things जो humans के द्वारा बनाई हुई होती हैं वो इस components के अंदर include होती हैं. For example, buildings human द्वारा made होती हैं, parks, bridges means pool, road, industries, मोनूमेंट्स मीन्स इमारतें. फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, लाल किला और लाइक दैट. थर्ड ह्यूमन, और ह्यूमन आल्सो इंक्लूड इन द एनवायरमेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट इट इंक्लूड इंडिविजुअल मीन्स जो अकेला पर्सन होता है, कोई फादर या मदर कोई हो सकता है. फिर सेकंड नंबर पे आता फैमिली, फैमिली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन. थर्ड कम्युनिटी, कम्युनिटी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है और किसी भी कास्ट से हो सकती है रिलेटेड. रिलीज सभी जो रिलीजन होते हैं जितने भी धर्म हैं, रिलीजन मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. एजुकेशनल, जितने भी एजुकेशनल जो एजुकेशनल जो सेंटर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं. एजुकेशनल सेंटर क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी ह्यूमंस होते हैं, इसीलिए इट इंक्लूड्स, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है. फिर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्योंकि इकोनॉमी भी सभी ऑल पर्सन्स को नीड होती है इसकी, क्योंकि लाइफ को सफ़र करने के लिए, स्पेंड करने के लिए जो पीपल होते हैं उनको वर्क करना पड़ता है, वर्क करने से ही उनको मनी अर्न होती है. इट इज़ आल्सो इंक्लूड इन द ह्यूमन. एंड ड्रॉ ए डायग्राम, वन क्वेश्चन इज आल्सो इंक्लूड इन इट. Draw a diagram of components of the environment
फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फर्स्ट नेचुरल सेकंड ह्यूमन मेड एंड थर्ड इंक्लूड ह्यूमन नेचुरल इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक ऑल्सो एंड नेचुरल इंक्लूड एटमोस्फियर एंड थर्ड हाइड्रोस्फियर एंड देन लिथोस्फियर एंड नेक्स्ट वन इज बायोस्फियर ह्यूमन मेड इंक्लूड बिल्डिंग्स पार्क्स बीचेस रोड्स इंडस्ट्रीज And third one is individual and next one is family and next one is community community and next one is religion and next one is educational and last economy Today is enough for you. You also draw the diagram components of the environment. Okay. It is also SW. Thank you.